बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन फॉलिक एसिड। विटामिन फॉलिक एसिड को आप जो है विटामिन B9 भी कहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है वो लीफी वेजिटेबल से बनता है, और ये फोलासिन रेफर से निकला है। फोलासिन जिसका मतलब है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन लीफ वगैरह जो है इसका मतलब है लीफ फॉलियम से निकला है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपने याद रखना है इसके बारे में कि ये ग्रीन वेजिटेबल से ऑब्टेन होती है, ठीक है। उसके अलावा अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है वन कार्बन मेटाबॉलिज्म है, वन कार्बन मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम बाद में जो है वो डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है। अब तक आपको जो मैंने बताया हुआ विटामिन B9 के थे, इसको फॉलिक एसिड ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है और वन कार्बन मेटाबॉलिज्म में इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम इसकी देखते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हम इसके डिटेल से। ओके, अब हमने जो ये वीडियो, ये जो हमने साइड पे लिखी हुई है ये सारी हेडिंग्स, इनके अंदर हमने इसको स्टडी करना है। सबसे पहले हमने इसकी नेम देख ली, इंपॉर्टेंस देख ली, अब हम केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री में आपने याद रखना है कि ये जो है वो पापा रिंग से मिलकर बना होता है। इसके पास एक रिंग होता है पापा, ठीक है, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, और इसके पास ग्लूटामेट रेजिड्यूज भी होते हैं, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज। मोस्टली जो है वो एक होता है, ठीक है, एक से सात तक हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो मोस्टली होता है वो एक होता है, जिसको आप कहते हैं पिटी रॉयल ग्लूटामिक एसिड, जिसको आप PGA भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि अब इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी, तो इसकी कोएंजाइम क्या है। कोएंजाइम आपने याद रखना है, इसका कोएंजाइम ये हेडिंग में डालो भूल गया, कोएंजाइम, इसका कोएंजाइम आपने याद रखना है कि वो है टेट्राहाइड्रोफोलेट PH4, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये आ सकता है THF, ठीक है, ये इसके कोएंजाइम है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि इसको, इसकी जो एक्टिव फॉर्म है ये एक्टिव फॉर्म भी कहलाती है, ठीक है, इसको एक्टिव फॉर्म भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये इस फॉर्म में आपका जो फॉलिक एसिड है वो फॉलिक एसिड इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा TH4 की फॉर्म में, डिपेंड्स ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। और जो आपके पास ये हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, इसमें जो ये हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, ये जो दो हाइड्रोजन आयन जो दे रहा है वो दे रहे हैं 2 moles ऑफ NADPH, ठीक है, 2 moles ऑफ NADPH दे रहे हैं, ठीक है, इसी की वजह से जो है ये TH4 बन रहा है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और एब्जॉर्प्शन को। ओके, अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज। इसमें आपने याद रखना है कि जो फॉलिक एसिड आप ऑब्टेन करते हैं डाइट से, डाइट में होता है वो किस फॉर्म में होता है, 7-ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज की फॉर्म में होता है, ठीक है। और हमने कहा कि जो हमारी इंटेस्टाइन है वो सिर्फ 1-ग्लूटामिक एसिड, जो मोनोग्लूटामिक एसिड फॉर्म है उसके अंदर जो है वो रेजिड्यूज को ऑब्टेन कर सकती है। तो इंटेस्टाइन में जाने से पहले जो है कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, फोलेट कॉन्जुगेस, ठीक है, और इसको ये इंटेस्टाइन में जाकर किस में कन्वर्ट कर देगा, मोनोग्लूटामिक रेजिड्यू में, ठीक है। अब इसने मोनोग्लूटामिक रेजिड्यू में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब जिसने इसकी जब एब्जॉर्प्शन होनी है, स्टोर्ड होना है इसने लीवर की फॉर्म में, लीवर में जाते वक्त फिर दोबारा इसने जो है वो अपनी पॉली ग्लूटामिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है और वहां जाके इसने स्टोर हो जाना है। और याद रखिएगा मोस्ट अबंडेंट फॉर्म जो है इसकी जो होती है वो होती है, एक मिनट, ओके। अब हम इसको देखते हैं कि हमने कहा कि इसकी जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो एन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट
मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी भी हम फॉर्म देखेंगे टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट किन किन फॉर्मों में एग्जिस्ट करता है वो अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट बायोकेमिकल फंक्शन में। ओके अब हम देखते हैं कि फॉलिक एसिड की बायोकेमिकल फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन ये है कि वन कार्बन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। क्या होता है कि जो आपका वन कार्बन यूनिट है, एक कार्बन यूनिट जो है वो बाइंड करता है किसके साथ, आपके THF के साथ, और साथ जो है वो क्या बाइंड करते हैं N5 और N10 पोजीशन पे बाइंड करेगा। कार्बन जो है N5 या N10 पोजीशन बाइंड करेगा और बोथ, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि कौन कौन सी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। सबसे पहली है N5 फॉर्माइल THF, N5 मिथाइल THF, ठीक है, और उसके बाद मिथाइलीन THF में कन्वर्ट हो सकता है। पहले आप देख लें N10 फॉर्माइल THF, उसके बाद N5 मिथाइलीन THF हो सकता है या N5 फॉर्मीनो THF। हम इनके साथ साथ इनकी इंपॉर्टेंस भी देख लेंगे, N10, उसके अलावा N5N10 मिथाइनाइल THF, N5N10 मिथाइलीन THF कन्वर्ट, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि ये जो आपका ये जो फॉर्मिनो वाला है, याद रखिएगा ये हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, उसके अलावा N5 मिथाइल THF जो है ये फोलेट ट्रैप के अंदर इंपॉर्टेंट है, फोलेट ट्रैप इसको हम आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास फंक्शंस आते हैं बायोकेमिकल फंक्शन में उसको भी हम डिस्कस अभी कर लेते हैं। ये हो गया आपका वन कार्बन मेटा। ओके अब हम देखते हैं कि बायोकेमिकल फंक्शन अभी क्या है। कि प्यूरीन की फॉर्मेशन का फायदा, प्यूरीन की फॉर्मेशन होगी तो DNA की सिंथेसिस होगी, DNA की सिंथेसिस होगी, अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी, उसके बाद ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, इनडायरेक्टली इसने इसकी सिंथेसिस करनी है, ठीक है। अब जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो मोस्टली जो है N5 मिथाइल THF की फॉर्म में ट्रैप हो जाता है, ठीक है, कि ये जो है N5 मिथाइल THF जो है वो THF में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या है कि होमोसिस्टीन मिथियोनीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और इससे आपकी THF की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इसका लेवल जो है वो राइज कर जाएगा और इसका लेवल भी राइज कर जाएगा, तो इससे डिफरेंट डिजीज कॉज होंगी वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब ये हम डिस्कस करेंगे ना डेफिशिएंसीज वगैरह तब हम इसको देखेंगे। ओके अब हम देखते हैं कि RDA क्या है। इसकी RDA आपको पता चाहिए रिकमेंडेड जो डायट्री अलाउंस है वो 200 माइक्रोग्राम और जो प्रेगनेंसी की स्टेट है उसमें इसकी अमाउंट बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। सोर्सेज आपको पता होना चाहिए वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके अलावा जो एक बात आपको पिछले उसमें बताना भूल गया, उसमें ये आपने याद रखना कि N5 फॉर्माइल THF को सिट्रीवोरम फैक्टर भी कहते हैं, और आप इसको जो है वो फोलिनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। ओके अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी हैं। सबसे पहले आपको बताऊं चीज की कॉजेस के ये क्या का कॉज करते हैं, पहले उन पर्सन का देख लेते कि किन लोगों में ये कम हो जाती है। ये प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह में कम होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो ले लेते हैं उनमें कम होती हैं, ठीक हो गया। अल्कोहलिक्स वगैरह में भी कम। ओके अब हम देखते हैं इसके कॉजेस के, इसकी कॉजेस क्या है। या तो आपको डाइट में कम मिल रही है, अब्सॉर्प्शन कम हो रही है, इसके डाइट में कमी है, एब्जॉर्प्शन कम है, ठीक है, या जो है वो डिमांड बढ़ गई है, या ड्रग्स आप ज्यादा ले रहे हैं,
तो इससे भी हो सकता है। अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेरियो बेस्ड होता है, उसमें आपने याद रखना है मैक्रोसिटिक एनीमिया कैसे कॉज होता है। ठीक है, हमने कहा कि फॉलिक एसिड जो है वो प्यूरिन के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है, डीएनए के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है। जब डीएनए नहीं होगा, पहले टीएचएफ नहीं है, डीएनए नहीं है तो आपके पास प्रोटीन नहीं है। ठीक है, सेल्स जो है वो एबनॉर्मल होंगे। उसके बाद जो है वो उनकी बोन मैरो पे इफेक्ट आएगा, तो ये एनीमिया कॉज करेगा। ठीक है, और सेल्स जो है वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं इसके। ठीक है, मैगेलोब्लास्टिक चेंजेस आती हैं इसमें। ठीक है, मैगेलोब्लास्टिक याद रखना। दूसरे नंबर पर जो आपके पास आता है वो ये है कि जो चिल्ड्रन है उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पास पेपर में पूछा गया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या होता है कि आप जो है अगर हाई डोज ऑफ फोलिक एसिड लेंगे तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। वैसे ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो चिल्ड्रन में देखा गया है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपने याद रखनी है वो ये है कि जो फॉलिक एसिड है ये मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टिडीन में इंपॉर्टेंट है। हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हिस्टिडीन के जो मेटाबॉलिज्म है ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये फिग्लू एक कंपाउंड होता है। ठीक है, फिग्लू कंपाउंड ने जो हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म में अपनी याद रखिए फिग्लू, ये नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसको। ओके, अब हम देखते हैं हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म। इसमें आपने याद रखना है कि जो आपका एक कंपाउंड होता है फिग्लू, इसने हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म के मियान क्या करना है कि अपना फॉर्मिनो ग्रुप किसको ट्रांसफर कर देना है, टीएचएफ को दे देना है। ठीक है, जो एक्टिव फॉर्म किसकी, फॉलिक एसिड की, तो इसने इसको कन्वर्ट कर देना है फॉर्मिनो टीएचएफ में। और ये कौन सी फॉर्म है, एन मिथाइल। ठीक है, एन फाइव फॉर्मिनो टीएचएफ में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और ये एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के जरिए। ठीक है, अगर आपकी फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, फॉलिक एसिड अगर आपके पास नहीं है तो ये क्या होगा कि जो टीएचएफ है ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये फिग्लू आपकी बॉडी में स्टोर होता रहेगा। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन जरूर ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, और फिग्लू अकोमुलेट हो जाएगा और ये यूरिन के जरिए जो है वो निकलता जाएगा बाहर। ठीक है, तो फिग्लू टेस्ट भी किया जाता है जिसके जरिए आप इसकी डेफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अब नई डिजीज जो है कि अगर तो टीएचएफ जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, टीएचएफ कम है। ठीक है, टीएचएफ ने कन्वर्ट जो आपका था एन फाइव मिथाइल टीएचएफ, इसने कन्वर्ट होना था टीएचएफ में। और ये कब होना था कि जब होमोसिस्टीन मिथियोनीन में कन्वर्ट हो रहा था, ये रिएक्शन इधर हो रहा था। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन, तो अगर ये जो है वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ये भी इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो होमोसिस्टीन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। होमोसिस्टीन जब लेवल में बढ़ जाएगा तो इससे कोरोनरी हार्ट डिजीजेस होना शुरू हो जाएंगी और एक कंडीशन होगी जिसको आप कहते हैं हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ कि होमोसिस्टीन का लेवल कैसे बढ़ा कि एन फाइव मिथाइल टीएचएफ जिसने कन्वर्ट करना था टीएचएफ में कन्वर्ट होना था वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा मिथियोनीन में, वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ये होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा और हाइपर होमोसिस्टिनीमिया हो जाएगा। और ये जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस के इफेक्ट्स को ज़्यादा कर देगा, थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और हार्ट अटैक्स के इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं एंटेगोनिस्ट्स। ओके, अब हम देखते हैं कि एंटेगोनिस्ट्स के कौन से। सबसे पहला है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जो है ये स्ट्रक्चर एनालॉग होता है किसका, पीबीए का, पी आबा का होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालॉग। इसने क्या करना है कि जो आपका एंजाइम है ना
इसने जो है वो पापा की इनकॉपरेशन करवा देनी पिट्यूटरी में और फॉलिक एसिड की कमी करवा देनी है, ठीक है। इसने क्या करना है, फॉलिक एसिड की कमी करवा देनी है, फॉलिक एसिड, और इसको इसने किसमें कन्वर्ट करवा देना है, पिट्यूटरी में, ठीक है। अब है अमीनोपेट्रिन, अमीनोपेट्रिन का भी आपने याद रखना, ये भी स्ट्रक्चर एनालॉग है। इसने जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक एंजाइम है जिसने कन्वर्ट करना है टीएचएफ के अंदर फोलिक एसिड को, वो कम कर देगा, तो टीएचएफ का लेवल इसने कम करवा देना है, ठीक है। टीएचएफ का लेवल कम होगा तो इसने जो है डीएनए की इंपेयरमेंट करवा देनी, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां कम हो जाती हैं। ये दोनों का सेम ही फंक्शन है कि डीएनए का लेवल कम होगा, डीएनए कम हुआ सेल्स कम हुए, सेल्स कम हुए तो कैंसर का फैलाव जो है वो कम हो जाएगा, तो ये इन पेशेंट में ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद है ट्राईमेथोपेपरिन, इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये जो है वो फॉलिक एसिड का भी है, ये भी एनालॉग है, इसने भी टीएचएफ को कम करना, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह में दिया जाता है, जीआईटी के इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन वगैरह में दिया जाता है, जो उनको कम। सो हमने अपना सारा ये फॉलिक एसिड वाइटामिन को डिस्कस कर लिया, हमने पहले इसका नाम लिखा कि किस किस फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं, तो उसके बाद इंपॉर्टेंस हम देखी मेटाबॉलिज्म में, बायोकेमिस्ट्री हमने इसकी देख ली कि इसके अंदर पापा होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, रेजिड्यूज देखे हमने। उसके बाद हमने इसकी एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज देखी कि इसके एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज जो है वो किस फॉर्म में होती है, पहले ये पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में होता है, फिर ग्लूटामेट मोनोग्लूटामेट में, फिर पॉलीग्लूटामेट में कन्वर्ट होकर फिर स्टोर हो जाता है। हम देखें कौन सी अबंडेंट फॉर्म है, बायोकेमिकल फंक्शन देखे, वन कार्बो मेटाबॉलिज्म इसका कैसे रोल है, प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे रोल है, अगर फोलेट ट्रैप हो जाए तो क्या होगा, आरडीए हमने देखी इसकी 15-20 माइक्रोग्राम जो है रिक्वायरमेंट होती है, एनी 200 माइक्रोग्राम हम देखे। इसके बाद हमने जो है सोर्सेज देखे कि लीफी वेजिटेबल्स वगैरह सोर्सेज, डेफिशिएंसी हमने देखी, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो चिल्ड्रन में क्या इफेक्ट आएगा, माइक्रोसिटी का एनीमिया हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आएंगे, उसके अलावा हाइपरसिस्ट होमोसिस्टीमिया हो जाएगा, ठीक है, और फिग्लू की अमाउंट बढ़ जाएगी जो एक्सक्रीट होगा यूरिन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमने एंटेगनिस्ट देखे, एंटेगनिस्ट हमने ये देखे सल्फोनामाइड, अमीनोपेट्रिन और मेथोपेट्रिन और ट्राईमेथोपेपरिन देखा हमने कि इनका क्या रोल है, ये सारे जो फॉलिक एसिड का लेवल कम करेंगे और इन्होंने जो है वो काफ़ी डिजीज वगैरह की क्योरिंग में यूज हो जाना है, और इन्होंने जो बैक्टीरिया वगैरह की इन्फेक्शन को कम करना है और कैंसर वगैरह को रिड्यूस करना है। होप सो आपको ये सारा वाइटामिन समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, थैंक यू। बाकी वाइटामिन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।